तो फिलहाल हम आ गए हैं अरावली, जो अरावली मतलब राजस्थान और राजस्थान मतलब अपना प्रदेश। तो अपने प्रदेश की लग रही है यहाँ पे सेल सामने। तो ये है लोकल फॉर वोकल के लिए एक छोटा सा प्रयास। तो यहाँ पे सारे राजस्थानी थोड़े बहुत देखते हैं क्या क्या है अंदर, शॉपिंग में चलते हैं फटाफट। इन्जॉय कीजिए, आप भी इन्जॉय कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। व्यारा में है अभी, जस्ट पुराने बस स्टैंड के सामने, आमलिया ग्राउंड में, आमलिया ग्राउंड। बच्चे फिलहाल पहुंच गए हैं मिक्की माउस में। तो अभी हम आए हैं सबसे पहले यहाँ पर रखे हैं सारे ये कारपेट वगैरह। तो कारपेट वगैरह की शॉप है यहाँ पे। भैया क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या? नाम है आशिक भाई। तो आशिक भाई की दुकान है ये, यहाँ पे सारे कारपेट वगैरह हैं अवेलेबल। क्या है कारपेट की रेंज, कहाँ से कहाँ तक चालू है अपने पास? 3600 रुपये से कारपेट का प्राइस चालू है। उसके बाद में सब हैंड वर्क, 6000-5000 अलग अलग रेंज। Be quiet.
thunder that comes from far away. It's like a noise in my head. Oh, this world hurts, this world hurts. It cuts you deep and leaves the sky. वाली वीडियो बना होता था हमारी दुकान की, हमारी पूरी दुकान की वीडियो बना। तो फिलहाल हम आ गए हैं कुर्ते पायजामे की दुकान पर। तो ये है भैया कुर्ते पायजामे वाले हैं। आपका नाम भैया? अमन। अमन भाई हैं ये, और ये है शर्ट। बहुत छोटा दे देना, छोटा साइज खादी वाला कपड़ा है क्या? बराबर। तो नारायण जी यहाँ पे शर्ट लेने वाले हैं, तेज भाई भी लेंगे, और पसंद आएगा तो मैं भी ले लूँगा एक शर्ट। ये वो गेगस भाई के लिए जरूर दिलाएंगे हम वाइट शर्ट। वैसे भी आपको पता है मेरी फेवरेट है वाइट एंड ब्लैक। भैया से शर्ट निकलवाने के लिए बोलते हैं। भैया वाइट निकालो, मेरा नाम का भी एक चमकने वाला कपड़ा नहीं है आपके पास? शाइन वाला ये लीजिए, चमकने वाला कपड़ा। यार ये वो चमकने वाला कपड़ा नहीं, इससे ज्यादा चमक क्या लोगे पड़े भाई। एक आता है चमकने वाला आता है, वो ये नहीं मतलब ये वाला प्लेन रहेगा, ये ऐसा भी नहीं रहेगा। चलो कोई नहीं, ये मतलब खराब तो नहीं होगा ऐसा? नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, ये बड़ा नहीं रहेगा मुझे, कंप्लीट साइज आएगा। पहन कर देखो, ट्राई करके देखो, तो बटन खोल दो। हां ट्राई करके देखो, मेरा ढीला पड़ रहा है। हां मुझे लगता है ढीला रहेगा, मेरा ढीला है इसलिए तो मैं भूल के लेकर नहीं आया। जैसा ऐसा ओनली सॉफ्ट होगा धुलने के बाद कपड़ा। मेरे निकलो नहीं, योगेश भाई पहन रहे हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है योगेश भाई, ढीला है अच्छा दिख रहा है यार। यार इस थोड़ा ढीला रहेगा यार, कम नहीं साइज पड़ेगा। नाने साइज है, नानी साइज मिल जाएगी, लेकिन ग्लोबल साइज आता है, ढीला है ना। एक नंबर छोटा था ना, 38 नंबर आएगा क्या? है अंदर कुर्ता पहना फिर भी एकदम। हाँ आ गया बेटा, मेला मिला। हाँ क्या है इसकी रेट? रेट कितनी है? बस स्टैंड पे अमले ग्राउंड में। इसका प्राइस कितना है? 350 पड़े भाई। हां उन्होंने आटा देख लो, आधा कंडोर ला के ये लो 38 नहीं है योगेश भाई। तो एक शर्ट ली है, और शर्ट काफी अच्छी लगी है। हाँ बहुत है। मैंने अरे यार कुछ तो रहे बड़े भाई, खुला प्राइस होता है बिल्कुल, सिलाई भाव का रेट होता है। सिलाई भाव का रेट होता है बिल्कुल हमारे यहाँ। कर रहे हो नहीं कर रहे, कम सिलवाए। आप मेरी तरफ से ले जाओ, क्या हो गया? आपकी तरफ से तो ले जाओ। हाँ ये ले जाओ, मेरी तरफ से पैसे भी ले जाओ। लो ये लो, ऐसा नहीं फोर बोर्ड नहीं बड़े भाई, अच्छा 50 रुपये देता है। 50 अभी तो और लेने का है भैया। हो गया अपना शर्ट फाइनल, और भैया की शॉप पे आए आप, अमन भैया हैं, और जस्ट एंटर होते से ही बहुत ही शानदार जाते हैं। पार्टी वियर है भैया। ठीक है अमन भैया, ओके जाएंगे। ओके शर्ट, तो शर्ट डिपार्टमेंट में आ गए हैं। नारायण जी वापस एक शर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलो तो नारायण जी को शर्ट दिलाते हैं। देखो यहाँ से कोई अच्छा। भैया आपका नाम? विवान। विमल? विवान। विवान विवान। तो फिलहाल आ गए हैं चश्मे की दुकान पर। नारायण जी के लिए चश्मा हम ढूंढते हैं। चलो you keep feeling the sky.
freeze your heart, it's no longer the same. Cause it's full of blood, and it frees your heart, it's no longer the same. We need to get out of here. एक शर्ट और लिया वाइट, और तेजस भाई यहाँ पे कुछ ले रहे हैं बच्चों के लिए, और सारे बच्चे भी आ गए मेले में घूम के। कहाँ गए इधर? कहाँ किसमें गए थे? मेले में। बिल्कुल बिल्कुल, नविया के लिए ले लो आप। और ये यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए लेडीज आइटम, इसको क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं। और इधर भी सामने टी शर्ट्स वगैरह गर्ल्स के लिए, इधर से हमने लिया शर्ट, बढ़िया तो ले ली एक दो शर्ट। और अभी आ गए हैं नाश्ते डिपार्टमेंट में, ये नाश्ता मिल रहा है यहाँ पे। बताओ भैया, वो खट्टा मीठा ड्राई मुखवा सेवन माउथ फ्रेशनर, ये देखो कलकत्ती पान, पान यूट्यूबर चैनल में वीडियो उनकी बनाई थी। लो तेजस भाई आधा ले तो क्या इनके, ये क्या है ये पान लो पकड़ो कैमरा। तो ये है कलकत्ता का पान, कलकत्ता का पान है ना, कलकत्ती पान। चेक करता हूं मैं, करो ट्राई करो टेस्ट करो। हां मैं क्या बोलता हूं, चक्कर तो नहीं आएगा? अरे नहीं, सिंपल है, सादा एकदम। ये सिंपल सादा पान काफी अच्छा है और मस्त एकदम शानदार। सुपारी में कोई आइटम नहीं है? सुपारी में है ना, एक चिकनी वाली है, ये वाली कलकत्ता का बहुत बड़ा दाना है यार, टूटेगा ही नहीं, बहुत देर ले बेटा। हाँ आंवला, स्वीट आंवला, उड़िया नहीं खाते? देखो वीडियो बन गया हो गए तो चलो लेना हो तो रुको, नहीं तो इनको लेंगे मजा आया। लोगे क्या? गाड़ी ले जाए बेटा, ये सुपारी है, दांत टूट जाएंगे। सुपारी बहुत मोटी है, तुम खा ले, नहीं खाने की कोई चीज नहीं है। बहुत सालों से ढूंढ रहे थे पर्स को, मिला है आज, आज मिला है सिल्वर कलर का। पर भैया यार ये पर्स बहुत सालों से ढूंढ रहे हो तो रेट 200 रुपए और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो ये थोड़ी बोला कि हम लेंगे ही सर। ये मार ला पकड़ जा, हाँ सब कुछ जुगाड़ है। तो ये है पर्स, कितने का है ये? क्या 350? अरे यार भैया मैंने बोल दिया 2 साल में मिला था, आपने रेट ही बढ़ा दी सीधा। भैया तो मैं पहले बोला चाइना का, हम खुद ही यही छोड़ के चले गए पर्स तेजीर मैंने का। सही लगाओ तो बात करूँ फिर मैं आगे। सही रेट है सर, अच्छा क्वालिटी में आएगा ये आपका, 250 मेरे को। तो पर्स तो मोल भाव हुआ नहीं, अब बढ़ते हैं आगे। ये आ गए फ्लेचर्स बेंगल्स, सारा लेडीज डिपार्टमेंट, उसके बाद वो वापस जड़ी बूटियाँ। वाओ, इन जड़ी बूटियों की क्या है कहानी? ये बताए कहानी, चंदन है क्या ये? अर्जुन का था, इधर आओ ना तो मजा आएगा। बोलो, ये अर्जुन का था, ये नीम गिलो है, नीम गिलो है, ये तो बहुत खाई है मैंने, ये नीम गिलो है, कोरोना में जो पी थी लोगों आपने। रामेश्वर दिल्ली, ये रामेश्वर दिल्ली, इमली इमली जंगली इमली का बीज होता है, काटिया इसको क्या बोलते हैं? गोप्रो, ये गोप्रो, गोप्रो काटा काटा खूब है, गोप्रो काटा पीने से को आता है बराबर। ये किस काम आता है? ये पथरी के काम आता है, मोटा बढ़ रहा है, इसका क्या सीन है? कुछ पड़ा हो क्या है ये? अंबर अम्बरे ब्रास बुट्टी, एक तोला,
क्या करना पड़ेगा? इसको खाना पड़ेगा खाली पेट, पानी खेला, पानी के साथ पीना पड़ेगा मुझे, खाना वाना खाने के। तो उससे क्या होगा? मतलब ये मोटा बढ़ रहा है तो क्या क्या बीमारी है? ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। आपका रजिस्टर्ड रहता है, उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ कुछ हुआ तो? इसमें कोई नुकसान नहीं है, ऐसा ये देसी दवा है, एक बार फायदा नहीं करेगा नुकसान कभी जिंदगी में नहीं करेगा। ऐसा तो कितने का पड़ता है एक तोला अपने को? 1300 रुपये का पड़ता है। ठीक है, आते हैं कोई और दिन। चलो तेज भाई, ये सब होता है। और तो ये है भैया की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की शॉप। तो किसी का भी कोई भी रोग, मोटापा, कब्ज, सबके लिए यहाँ पे आ सकता है। भैया आपका नाम क्या? मेरा नाम सनी भाई। सन्नू? सनी, सनी, सनी। भैया का नाम है सनी। जस्ट एंट्रिंग से ऑपोजिट साइड में भैया की दुकान है। सारे मसाले वगैरह आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। सारी जड़ी बूटियाँ हैं, ये विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ भैया बहुत मेहनत करके लाए हैं। आएँ एक बार विजिट ज़रूर करें। तो फिलहाल आ गए हैं, किचन के सारे सामान यहाँ पर मौजूद हैं। लाओ ना यार, नारायण जी ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो यार, नहीं चाह रहे। ये सारे किचन के सामान यहाँ पे अवेलेबल, बॉक्स, चिमटा, चाकू, गिलास, ग्लास। वस्तु पसंद आई है, ये वाली ऐसा। तो यार ये वाकई में बहुत बार देखा है और इसको बहुत खतरनाक है यार। ये गुदगुली से ज़्यादा पता नहीं क्या करता, समझ में नहीं आ रहा है किस लिए बनाती है कंपनी, पता नहीं। आपको बताओ तो कमेंट करके बताओ। बस मिली। तो इतनी देर घूमे यहाँ पे और काफ़ी सारी वेराइटीज़, काफ़ी सारे आइटम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप आ सकते हैं, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं और काफ़ी सारी वस्तुएं आपको काम काम की मिल सकती है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा मार्केट है और सामने किचन की हर एक वस्तु अवेलेबल है। तो किचन की कोई भी वस्तु चाहिए तो आएँ फैमिली के साथ में विज़िट करें। तो तेज भाई ने लिया है ये गाड़ी में डालने के लिए मीटिंग, और इसमें क्या डस्ट सारी इसमें रुक जाती है, काफ़ी अच्छा है ये। तो भैया की शॉप जहाँ फर्स्ट में आए थे वहीं रिटर्न आ गए, वापस आ गए हैं घूम फिर के यहाँ पे। अब यहाँ से कारपेट वाली शॉप है, है भी अब बैठ रहे हैं ट्रेन में। अब ये ट्रेन में बैठ के निकलेंगे सीधा बाजीपुरा, ट्रेन में बैठो ट्रेन में। और हम निकलेंगे सीधा काकरा पार, हम निकलेंगे सीधा डोदरा। बच्चे बैठ गए हैं फाइनली ट्रेन में। चलो भाई जान दो, चलो इस।
I'm a lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my voice fades away. Cause you gave me your heart. भाई तो हमने यहाँ पे अरावली आनंद मेले का आनंद लिया और अभी टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो अब चलते हैं घर। इस वीडियो को कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें, अपना ध्यान रखें। टिल देन बाय।